हमारे अपना कसूर है, डॉक्टरों का कसूर नहीं। नमक कुछ और था, ये नमक कुछ और है, वो हल्दी कुछ और थी, ये हल्दी कुछ और है। नमस्कार, तो आप सभी देख रहे हैं TLR। आपको बताते चलें, आज के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस जो है वो है, आज के दिन जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मनाया जा रहा है। आयुर्वेदिक, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं हम वो पुराने टोटके जो कहा करते थे पुराने ज़मानों में, उन्हें कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं। पुराने समय में जिस समय जब हमें आवश्यकता होती थी, मेडिसिंस की आवश्यकता जब हमें होती थी, कोई घर पे जो है व्यक्ति बीमार पड़ जाता था, क्या पेट दर्द उसे होती थी या कोई अलग जो तकलीफ़ उसे हमें देखने को मिलती थी, तो यही आयुर्वेदिक के जो टोटके हुए करते थे घर के, घरेलू जो है वो टोटके हुआ करते थे, तो उन्हें टोटकों को अपना कर, उन्हें जो है वो इस्तेमाल कर कर जो है हम अपनी सेहत को जो है वो बिल्कुल सही करते थे। आप इस समय देखेंगे कि 7th बटालियन SSB की तरफ से एक कैंप जो है वो जट्ठी के अंदर जो है वो लगाया गया, जहाँ पे लोगों को अवेयर किया गया आयुर्वेदिक के, आयुर्वेदिक के बारे में जो है वो अवेयर किया गया। और हमारा पुराना इतिहास, जिस समय हम सिर्फ आयुर्वेदिक के ऊपर जो है चलते थे, वो पुराना इतिहास जो है वो याद दिलाया। और ये भी कहा कि किचन के अंदर हमारे पास बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन हमें जो है उसकी जानकारी नहीं है। SSB का एक अच्छा काम आज के दिन यहाँ पे जो है इनकी तरफ से फ्री कैंप जो है वो लगाया गया। डॉक्टर यहाँ पे आयुर्वेदिक के जो थे वो यहाँ पे आए डोडा डिस्ट्रिक्ट से, और उन्होंने भी लोगों को काफ़ी अच्छे से जो है इसके बारे में अवेयर किया, समझाया, आयुर्वेदिक के बारे में जो है वो बताया किस तरह से जो है हम उन्हें अपना कर जो है अपनी सेहत को जो है वो स्वस्थ रख सकते हैं, और विदाउट कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट इन चीज़ों का जो है वो देखने को नहीं मिलता है। आप यहाँ पे जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये इस समय जो है वो दवाइयाँ जो हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं वो ले रहे हैं। और मेडिसिन्स आपको मैं बता दूं, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो SSB के द्वारा जो है यहाँ पे मिल रही है। हमारे साथ यहाँ पे लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे आखिरकार किस तरह का जो है यहाँ पे आज इनको लग रहा है, क्योंकि SSB की तरफ से जो है वो यहाँ पे कैंप लगाया गया है। आपका नाम जानना चाहूँगा। अब्दुल गनी। कहाँ से? जट्ठी से। सर, आज के दिन SSB के द्वारा जो है यहाँ पे फ्री कैंप लगाया गया, आयुर्वेदिक के बारे में बताया गया, जो डॉक्टर्स ने भी बताया कि आयुर्वेदिक हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और हमारे घर के अंदर जो है, किचन के अंदर जो है वो हम मेडिसिन आयुर्वेदिक में देखते हैं, जिस तरह से उन्होंने अजवाइन की बात की, तो क्या लगता है हम पुराना इतिहास जो है अपना वो भूल चुके हैं? क्योंकि पुराने समय में अगर हमें पेट दर्द होती तो हम मेडिसिन शॉप पे नहीं भागते थे, डॉक्टर के पास नहीं भागते थे, हम वही टोटके जो है वो अपनाते थे जिन्हें हम घरेलू टोटके कहते थे, वही आयुर्वेदिक में। तो क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत अच्छा है जो डॉक्टर साहब ने बोला, मैं बहुत अच्छा बोला उन्होंने। पुरानी जो चीज़ें हैं वो दोबारा शुरू करें, जो बुजुर्गी चीज़ें थी जैसे जवैन है, हल्दी है, खाना खाना है, टाइम का खाना है, शाम को कम खाना है, सुबह ज़्यादा खाना है, दोपहर को ज़रा उससे कम करना है, और तांबे के बर्तन में जो है तो वो पानी रखना, रात को सुबह पीना है, जो कब्ज वगैरह वो दूर हो जाएगा, मैदा साफ रहेगा। तो आपको क्या लगता है आज के समय में हम देखते हैं तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जकड़ना शुरू कर चुकी हैं। अगर आप छोटे बच्चों को भी देखेंगे, छोटे बच्चे भी आज जो है वो रोगी हो चुके हैं कहीं ना कहीं तकलीफ़ों से, कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई आप देखेंगे, तो उनमें भी जो है वो हमें चीज़ें देखने को मिलती थी, लेकिन पुराने समय में ये चीज़ें नहीं होती थी, जबकि वहाँ उस समय डॉक्टर्स भी इतने ज़्यादा नहीं होते थे, उस समय जो मेडिसिंस होती थी हम जिन्हें अंग्रेजियाँ दवाइयाँ कहते हैं वो भी इतनी हमें देखने को नहीं मिलती थी, तो उस समय भी जो है वो कैसे स्वास्थ्य जो है वो तब के लोग रहते थे, और तब वही पुराने टोटकों के साथ किस तरह से चलते थे? पुराने वक्त में लोग सादा खाना खाते थे, अच्छा साफ़ सुथरा खाना खाते थे, और आज जो है लोग जो कहते हैं डॉक्टर के पास जाते, पेन किलर खाते हैं, मैदे ख़राब हो जाते हैं, किडनी ख़राब हो जाती हैं उनकी, अब बगैर जानकारी के दवाई खाते हैं हम लोग, वो हमारे अपना कसूर है, डॉक्टरों का कसूर नहीं। अगर ये आए ऐसी अगर जानकारी दोबारा हो तो बहुत अच्छा है। तो अभी आज के दिन SSB के द्वारा जो है वो कैंप यहाँ पे लगाया गया, किस तरह का लग रहा है? बहुत अच्छा कैंप है, और दोबारा फिर होना चाहिए, ये दोबारा फिर जाने, बहुत बहुत धन्यवाद इनका जो हम गरीब लोगों की मदद करते हैं, हर वक्त हमारे लिए मुसीबत में पड़े रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, नाम जानना चाहूँगा आपका। नाम मेरा मनसाराम। कहाँ से सर आप? मैं नलहोत से, विलेज नलहोत। एक जिस तरह से आज SSB के द्वारा यहाँ पे कैंप लगाया गया, आयुर्वेदिक के बारे में बताया गया, डॉक्टर्स यहाँ पे आए थे, उन्होंने आयुर्वेदिक के बारे में बताया, और आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं वो बांटी भी,
तो क्या कुछ आपको समझ आया, क्या कुछ लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जो डॉक्टर साहब ने बोला कि जैसे मतलब हमारा खान पान है जो सही नहीं है। जैसे कि हम क्या करते हैं, सुबह थोड़ा सा खाते हैं, दोपहर को उससे ज़्यादा और शाम को उससे भी ज़्यादा खाते हैं। तो अब इसमें हमारी भी कमी है तो कुछ हमारी भी कमज़ोरी है। तो अब जैसे इन्होंने बोला कि पहले देखो मतलब देखो ये था कि हमारे किचन में दवाइयाँ होती थी, किचन में दवाइयाँ आज भी हैं लेकिन हमारे इस्तेमाल करने का तरीका नहीं है, नंबर एक। नंबर दूसरा मैं ये बताऊंगा कि पहले के जो थे ना हमारे बुज़ुर्ग जो थे उनका खान पान जो था सादा था। बाकी जो ये चीज़ें हैं खास करके देखो आज जैसे यूरिया है, पोटाश है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता था पहले। खास कल के जो मतलब बीमारियों का ये है ना दौर चल रहा है, ये हमारी वजह, ये खास वजह यह है कि जो हमारे ये खाद का इस्तेमाल हो रहा है ना इससे भी बीमारियाँ बढ़ रही हैं। पहले हमारे देसी अपना गोबर होता था, हमारे बुज़ुर्ग जो थे उन्होंने खाद को देखा ही नहीं था, उनका खाना पाना बहुत सादा था, ये नशे वाली चीज़ें नहीं थी। जैसे कि आज का के सिस्टम में पहुँचो हज़ारों नशे हैं, आज के सिस्टम में हज़ारों नशे हैं ना, तो ये नशे पहले नहीं थे जिसकी वजह से इतनी बीमारियां हैं। किचन में आज भी हमारा वही है जो पहले खाते थे, लेकिन वो नमक कुछ और था, ये नमक कुछ और है, वो हल्दी कुछ और थी, ये हल्दी कुछ और है, मिलावट है, मिलावट है। तो इसका तो होगा फिर बीमारियाँ तो बनेंगी, फिर इसमें दूसरा हमारी अपनी गलती है। जो एक चीज़ है कि जिस तरह से जिन्हें हम अंग्रेजियाँ दवाई कहते हैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मगर अगर हम बात करें देश की टोटकों की यानी कि आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं, ठीक है, जो बिल्कुल साफ़ सुथरी होती हैं, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, आयुर्वेदिक दवाई जो है वो किसी जड़ी बूटी से या हल्दी से जिस तरह से डॉक्टर ने भी बताया, ठीक है, या किसी हमारे जो घर पे चीज़ पड़ी होगी जैसे अजवाइन है, अजवाइन भी हम पेड़ दर पे खाते हैं, तो वही आयुर्वेदिक जो है मेडिसिन्स में पड़ा होता है। तो आपको क्या लगता है कि जिसमें पुराने लोग थे, पुराने समय में डॉक्टर्स नहीं होते थे, अंग्रेज़ी दवाइयाँ नहीं होती थी, तो आपको क्या लगता है कि वो पुराना दौर सही था, उस समय जब डॉक्टर्स नहीं थे वो दौर सही था, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती थी, पेट दर्द हो गया अजवाइन खा ली है, सर दर्द हो गई तो आपने सरसों का तेल जो है वो प्योर लगा लिया, तो आज के समय में वो चीज़ नहीं आपको देखने को मिलती है, तो क्या लगता है वो पुराना इतिहास को कहीं ना कहीं दोहराने की ज़रूरत है? उस इतिहास को दोहराने की ज़रूरत है, उसको दोहराने की ज़रूरत है। अगर वो मतलब इतिहास आ जाएगा तो ये बीमारियाँ कम हो जाएंगी, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, तो हमारा जीना जो है थोड़ा मतलब आसान हो जाएगा जी। तो आपको क्या लगता है कि इंसान को किस तरह से चलना चाहिए आज के मुताबिक, क्योंकि आप भी बुज़ुर्ग हैं, आपने काफ़ी दौर जो है अपना देख लिया है, तो आपको क्या लगता है किस तरह का चाल चलन जो है होना चाहिए और खान पीन किस तरह का होना? खान पीन जो मतलब जैसे समय के मुताबिक होना चाहिए, जैसे समय के देखो जी, अब मैं अपनी बात करूँगा, जैसे मैं कि आज से 20 साल पहले खाता था, अब उस किस्म का खाना आज तो मुझे हजम नहीं होगा, अब उसी हिसाब से चलना है, जैसे मेरी एज इफेक्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अब मैं बोलूँगा जैसे आप खाते हो तो उसे मैं भी खाऊँगा तो मुझे हजम ही नहीं होगा, बीमारी तो होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताएं आज SSB की तरफ से एक जो है यहाँ पे कैंप लगाया, क्या कैसा लगा आपको? मैं अपनी तरफ से और बाकी जितने भी यहाँ पर अवेयरनेस कैंप में आदमी हैं सब की तरफ से मैं इनको SSB वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इनका धन्यवाद करता हूँ कि देखो जिन्होंने अवेयरनेस कैंप लगाए, इनको आइंदा के लिए भी लगाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आपको बताते हैं अगर हम चलें SSB के द्वारा जठी के अंदर जो है वो फ्री कैंप जो है वो यहाँ पे लगाया गया, आयुर्वेदिक के बारे में बताया गया क्योंकि आज राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। और आपको मैं बता दूं कहीं ना कहीं जो पुराना इतिहास अगर बात करेंगे, कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक की हम बात करेंगे, आयुर्वेदा की अगर हम बात करेंगे, ये वो आयुर्वेदा है जो अपने घरों में हम अपनाया करते थे लेकिन कहीं ना कहीं उसे अब हम भूल चुके हैं। आज भी कारीगर है, आज भी काम करता है लेकिन आज के समय में हम जो है उसे ध्यान नहीं रखते, इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते और इन चीज़ों का जो है वो यूज़ नहीं करते, इसलिए हम जो है कहीं ना कहीं आज भी हम जो है जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उन पे जो है हम जोर रखते हैं। उन दवाइयों की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर पेन किलर हम खाते हैं, कहीं हमें पेन हो रही है हम पेन किलर खा लेते हैं और उसका साइड इफ़ेक्ट हम ये नहीं सोचते क्या साइड इफ़ेक्ट है और खा लेते हैं, और कहीं ना कहीं किडनी जैसे जगहों पे जो है वो डैमेज कहीं ना कहीं हमें जो होता है, लेकिन आयुर्वेदिक जब आप चीज़ें टोटके अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको साइड इफ़ेक्ट कोई जो है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता और असर भी बिल्कुल आपको जो है वो देखने को यहाँ पर मिलता है। तो आज SSB ने एक अच्छा काम किया, अच्छा स्टेप यहाँ पे हमें देखने को मिला SSB के द्वारा जो यहाँ पे फ्री मेडिकल जो कैंप यहाँ पे है आज लगाया गया। सबसे पहले मैं आप लोगों का थैंक्स करूँगा कि आप लोग जो है मीडिएटर हो हमारे और पब्लिक के बीच में, आप लोगों की वजह से
ये बात संभव हो जाती है कि हर गांव, हर जगह तक, हर सदस्य तक ये मैसेज पहुंच जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। आज जैसा कि आप पूछ रहे हैं तो मैं ये बताता चलूं आपको कि आयुर्वेदा डे था, धन्वंतरी डे था आज, तो इसमें कैंप्स की उतनी ज़्यादा भूमिका नहीं थी। आज हम लोगों को अवेयर करवाना चाहते थे आयुर्वेदा कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ और हर घर तक कैसे पहुँचेगा और हर घर में आयुर्वेदा की कौन सी आइटम्स होती हैं, जैसा कि आपने अभी लेक्चर में भी सुना होगा। तो आज के दिन मैं सर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, इनने सुबह सुबह जब कॉल की तो हालांकि शेड्यूल बिजी होने के बावजूद भी मैंने इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी समझा कि हमें आज संडे है, धन्वंतरी डे है, आयुर्वेदा डे है, उसके बावजूद अगर सर कॉल कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए और प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आज सर के इस शेड्यूल में आखिरी डे था। तो आप लोगों ने देखा तकरीबन 200 से 250 के करीब हम लोगों ने यहाँ पेशेंट्स देखे, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन की मेडिसन्स की, फ्री मेडिसन्स की, और एक अवेयरनेस लेक्चर दिया इन लोगों को, जो मेन इसका कंपोनेंट है कि हम आयुर्वेदा के साथ कैसे जुड़ें, इससे लाभ कैसे लें और हम अपनी स्वास्थ्य, ये जो है अपने शरीर की ये जो है सेहत को कैसे मेंटेन करें, हम बीमारी से बचें कैसे और जो लोग बीमार हैं वो स्वस्थ कैसे हों। सबसे पहले मैं आप लोगों का, मीडिया कर्मचारियों का थैंकफुल करता हूं कि आपने अपना व्यस्त समय निकाल के जहां आए हैं, जो हमारे प्रोग्राम को कवरेज किया। इसके साथ साथ हमारे डॉक्टर साहब, जिनको मैंने आज शॉर्ट टाइम में कॉल करके बुलाया है, तो इन्होंने भी अपना बिजी शेड्यूल, आज इनका जो पहले भी प्रोग्राम डोडा में था उस प्रोग्राम को करने के बाद तुरंत तो हमारे पास यहाँ आए, जो हमें सहयोग दिया। इसके साथ साथ जैसा कि पहले डॉक्टर साहब ने भी बताया है शुरू में कि जो आयुर्वेद का अमृत कल के प्रोग्राम के तहत ये जो था प्रोग्राम सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक था, आज जो लास्ट डे था इसका, ये हमने कोशिश किया है कि आयुर्वेदिक जो हर दिन हर घर वो चले, जो पुरानी चीज़ें थी, जो लोग हम चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, या कुछ लोग जो रिमोट इलाके के हैं जिन तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच रही है, जिनको अवेयर नहीं था, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए थे। काफ़ी ऐसे प्रोग्राम हैं जो SSB के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके साथ साथ स्कूलों से संबंधित किताब, स्कूल बैग्स, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह ये पहुँचे। इसके साथ साथ जो आयुर्वेदिक का था, ये पूरे महीने में हमने हर जगह ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किए थे। लास्ट आज समाप्ति के समय पे हमने जो जत्थी गांव को चुना है, तो इन गांव वासियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी पब्लिक जो थी, 200 से 250 आदमी जो इस प्रोग्राम में आए हैं और जिन्होंने इन दवाइयों का लाभ लिया है, तो मैं आगे भी ये चाहता हूँ, पब्लिक से भी बोलना चाहता हूँ कि जो गाइडलाइंस आपको डॉक्टर साहब ने दिए हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाएं और इस आयुर्वेद को दिन प्रतिदिन अपने घर से लेकर अपने गांव तक पूरे इलाके में अवेयरनेस करें और इस चीज़ों को इस्तेमाल करें। तो काफ़ी लोग इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और जो इससे पहले हमने जो कैंपस वगैरह लगाए हैं वहाँ से भी रिस्पांस, चाहे वो वहाँ के पंच सरपंच हैं या बाकी पब्लिक जो हमें कैंप करने के बाद मिलते हैं, तो उनका रिस्पांस यही रहता है कि नेक्स्ट टाइम भी कोशिश करो कि हमारे ही गांव में लगाया जाए। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हर गांव को टच किया जाए और ताकि ये हर घर तक और हर आदमी तक ये लाभ पहुंचा पाए।